अवलन ये समझिए जिना कहते किसे है। एक मर्द और औरत के दरमियान जिनसी इख्तलात हो, जबकि उनके माबैन निकाह शादी मैरिज कोई कानूनी राबता जो है मौजूद ना हो। जाहिर बात है कि कोई अगर ईसाई मर्द और औरत है तो उनका निकाह अपने तर्ज पर होगा और उनका ताल्लुक जन व शौ जो है वो जायज होगा, लेकिन यह कि अगर उनका अपने तर्ज पर भी कोई निकाह नहीं हुआ है तो फिर वो जिना शुमार होगा। इस्लाम में जो निकाह के उसूल हैं, कवायद हैं, जवाबित हैं, शराइत हैं, वो पूरी हों और उसके बाद एक मर्द और औरत के दरमियान जिनसी इख्तलात हो तो जायज है, उसके बगैर अगर हो रहा है तो वह जिना है।